2021 के लिए डुकाटी मॉन्स्टर में हुए हैं कई बदलाव। पहले जैसे तराशे हुए लुक में आई है ये नेकेड बाइक। दिखने में दमदार और तराशा हुआ बाइसन बैक फ्यूल टैंक, सपाट और चौड़ा हैंडल बार और गोल आकार की एलईडी हेडलाइट के साथ डे टाइम रनिंग लाइट के लिए मिली रिंग। के इर्द गिर्द लगाए गए अगले इंडिकेटर्स दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं और हाँ, अब बाइक को ट्रेडमार्क स्टील ट्रेलिस फ्रेम भी नहीं मिली है। इसकी जगह नई मॉन्स्टर को एल्युमिनियम फ्रेम मिला है जो पानी गाले V4 सुपर बाइक से लिया गया है, क्योंकि इंजन बाइक के स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गया है तो यहाँ नया स्विंग आर्म और मोनोशॉक भी दिया गया है। कुल मिलाकर दिखने में बाइक शानदार है और डुकाटी रेड कलर में ये और भी जचती है, लेकिन अब इसे ब्लैक स्टेल्थ और एविएटर ग्रे में भी पेश किया गया है। मॉन्स्टर के टॉप मॉडल को हेडलाइट के ऊपर फ्लाई स्क्रीन के साथ पिछली सीट के लिए काउल भी दिया गया है। डुकाटी मॉन्स्टर दुनिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1992 में और करीब 30 साल में डुकाटी ने 3,50,000 मॉन्स्टर्स बिके हैं दुनिया भर में। अब ये है नया 2021 डुकाटी मॉन्स्टर। जब शुरू में 90s में डुकाटी मॉन्स्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जो नेकेड स्ट्रीट डिज़ाइन है आजकल के स्मॉल बाइक से लेके बिग बाइक्स में, ये डुकाटी मॉन्स्टर ने ही शुरू किया था ये नेकेड स्ट्रीट डिज़ाइन। ये बेसिकली एक स्पोर्ट बाइक है, फेयरिंग निकाला गया है, फ्रेम एक्सपोज है, इंजन एक्सपोज है, लेकिन अभी तक डुकाटी मॉन्स्टर का एक सिग्नेचर डिज़ाइन था, स्टील ट्रेलिस फ्रेम जो एक्सपोज था। नया मॉन्स्टर में एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है, लेकिन ये डिज़ाइन के तौर पर नहीं, ये वाला एल्युमिनियम फ्रेम पानी गाले V4 से इंस्पायर्ड है। ये पूरे 4.5 किलो वजन में लाइट है पुराने स्टील ट्रेलिस फ्रेम से। इंजन इसका 2 किलो 600 ग्राम लाइट है। ओवरऑल नया मॉन्स्टर करीब 18 किलो लाइटर है आउटगोइंग डुकाटी मॉन्स्टर 821 से। स्टीयरिंग के दायरे को कम किया गया है और इसकी पिछली सब फ्रेम ग्लास फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर की बनी है जो पहले से मजबूत बताई जा रही है। नए 17 इंच के अलॉय व्हील हल्के हैं और इनके साथ बेहतर पकड़ पाने वाले पिरेली डियाब्लो रोसो 3 टायर्स दिए गए हैं। ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेम्बो से लिया गया है, जिसमें अगले पहिए को 2 320 mm डिस्क के साथ ब्रेम्बो M4.32 4 पिस्टन मोनोब्लॉक कैलिपर्स दिए गए हैं और पिछला पहिया सिंगल 245 mm डिस्क के साथ सामान्य कॉर्नरिंग ABS में आया है। नई डुकाटी मॉन्स्टर अचानक ही एक फ्रेंडली पैकेज के तौर पर पेश की गई है। दिखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट है नया मॉन्स्टर, काफ़ी खूबसूरत है, आपको लगेगा अच्छा लगेगा दिखने में। जैसे ही बैठोगे काफ़ी हल्की है पहले से मॉन्स्टर 821 से, स्लिम है और फ्लैट हैंडल बार है, राइडिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है और सीट हाइट दोनों तरफ मेरे फुट फ्लैट ग्राउंड पे है तो काफ़ी ईजी है। और इंजन में काफ़ी चेंजेस है, बिल्कुल नया है, नया पिस्टन है, नया कॉर्नरॉड्स है, नया गियर ड्रम है, क्लच भी नया है, लीवर आपको फील हल्का महसूस होगा पहले से और इसमें स्टैंडर्ड अप डाउन क्विक शिफ्टर है जो अगर ट्रैक पे चलाओगे तो आपको क्लच पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिना क्लच पकड़े हुए आप अप शिफ्ट भी कर सकते हैं, डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो। और इसमें एक बहुत इलाबोरेट इलेक्ट्रॉनिक सुइट है, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग व्हीली कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल भी दिया गया है नया डुकाटी मॉन्स्टर में। डुकाटी का दावा है एक्सपीरियंस राइडर के लिए भी ये मज़े देंगे और अगर आप नए राइडर हो,
तब भी आपको ये डराएगी नहीं, बड़े आराम से आप चला सकते हो। तो देखना ये है कि ये दावा कितना सही है, मज़ा आता है, या अगर आप नए राइडर हो तो क्या आप आराम से इसको चला सकते हैं। राइडिंग पोजीशन न्यूट्रल और आरामदायक है और नई चैसी फुर्ती से बाइक की दिशा बदलने में मदद करती है, जिससे बाइक हमेशा सवार के नियंत्रण में रहती है। एक्सेलरेट करने पर यह तेजी से रफ्तार पकड़ती है और काफी मजेदार भी है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बहुत जल्द पकड़ में आती है और इलेक्ट्रॉनिक स्विच सुनिश्चित करते हैं कि सभी बातें आपके कंट्रोल में रहें। बूट इंटरनेशनल सर्किट के पहले मोड पर मॉन्स्टर की बेहतरीन हैंडलिंग का अंदाजा हो जाता है। पिरेली डियाब्लो रोसो 3 टायर्स बेहतरीन पकड़ देते हैं और फुर्तीली चैसी के हिसाब से ये बहुत बेहतर है। नया डुगाटी मॉन्स्टर काफी अच्छी बाइक है। अगर आप नए राइडर हो तो इसका बैलेंस और परफॉर्मेंस आपको डराएगा नहीं। सबसे खास बात तो ये है, अगर आपका एक्सपीरियंस भी है बड़े बाइक चलाने में, 109 bhp पा रहा है काफ़ी है मेरे हिसाब से। और अगर आपको रेस ट्रैक में चलाना हो, इसका हैंडलिंग बहुत खूबसूरत है, आप इसका मज़ा ज़रूर उठा सकते हो ऐसे एक रेस ट्रैक पर। हाँ, 150-180 bhp है नहीं, लेकिन ये फिर भी एक डुगाटी है, परफॉर्मेंस इसका फिर भी आपको ज़रूर मज़ा आएगा चला के। ओवरऑल ब्रेकिंग बहुत अच्छा है, हैंडलिंग बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी वर्सेटाइल है नया डुकाटी मॉन्स्टर। नई मॉन्स्टर को हमने पहली बार बहुत बढ़िया बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के ट्रैक पर चला के देखा, लेकिन सच तो ये है कि लगभग सभी मॉन्स्टर चलाने वाले इसे सामान्य सड़कों पर ही इस्तेमाल कर पाते हैं। यही इसकी असली ताकत और क्षमता दिखाई देती है और इसकी खामियों की पहचान भी होती है। बाइक की कीमत 11 लाख रुपए से कम में शुरू हो जाती है। नई मॉन्स्टर का मुकाबला ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आरएस से है और यहाँ इन दोनों की तुलना करना काफी दिलचस्प होगा और ये बताने की जरूरत नहीं कि इसमें भी बहुत मजा आएगा।